अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम इन माय चैनल ट्रैवल एंड फूड स्कैनर। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं रेड चिली कौरमा। तो उसके लिए सबसे पहले हम आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। मैंने लिया है 1/2 kg मटन, 3 प्याज स्मॉल साइज़ का। अगर आप बड़ा यूज़ कर रहे हैं प्याज तो आप उसको 1 भी ले सकते हैं। इसके अलावा 1 कप योगर्ट और रेड चिली तकरीबन 4 to 5। अगर आप कम खाते हैं तो आप इसको तादाद कम कर सकते हैं या बढ़ा भी सकते हैं। और अदरक लहसुन का इसको पेस्ट बनाना है 1 स्पून, ये भी हम करेंगे। और इसके अलावा सौंफ मैंने ली है, फूड कलर लिया है और छोटी इलायची, इसका भी हम पाउडर बनाएंगे। और इसके अलावा यहाँ हमने लिया है नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया और इसके अंदर है सिनेमन पाउडर। और इसके अंदर हम लोगों ने लिया है थोड़ा सा गरम मसाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम प्याज काट लेंगे और इसको ब्राउन कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले प्याज को बारीक बारीक काट लेते हैं और इसकी स्लाइसेस को इस तरह से बारीक बारीक काट लेते हैं। और फिर इसे हम करेंगे ब्राउन और फिर इसे ड्राई करके और फिर इसे योगर्ट के साथ पीस लेंगे। अगर आप थोड़ी बारीक प्याज काटेंगे तो आपकी प्याज क्रिस्पी रहेगी और कुरकुरी प्याज जब आप इसमें अपने कौरमे में डालेंगे तो उसका बहुत अच्छा सा एक थिक सा जो है आपके शोरबे में आता है जायका, और थिक सा आपका शोरबा बड़ा अच्छा इससे लगता है। तो ये हम अपनी सारी प्याज जो है वो बारीक बारीक इस तरह से कटिंग कर लेंगे। जी व्यूअर्स, तो ये हमारी प्याज हो गई है तैयार फ्राई होने के लिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, तीली को अच्छा सा गर्म कर लिया है हमने। इसमें तकरीबन आप 1 कप ऑयल डाल सकते हैं। कौरमे में नॉर्मली ऑयल लोग ज़्यादा डालते हैं क्योंकि इसकी ग्रेवी और लुक के लिए थोड़ा सा जो है ऑयल इसमें ज़्यादा पड़ता है। अभी हल्का सा गर्म हो गया है तो हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को आप हल्का सा चलाते रहिए जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। जी व्यूअर्स, तो जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है हम एक और काम ये करेंगे कि रेड चिलीज़ जो हमने ली थी इसे हम पानी के अंदर 5 मिनट के लिए भिगो देंगे और फिर इसे 5 मिनट बाद ग्राइंड कर देंगे। ये रेड चिली हमारी भीग गई हैं, अब हम इसे 5 मिनट बाद ग्राइंड करेंगे और फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसे कौरमे में किस टाइम डालना है। और इसे निकाल के अच्छा सा हम फैला लेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए, ऑयल इसका सारा निकल जाए और क्रिस्पी बन जाए। और फिर उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। देखिए कितना अच्छा सा इसका गोल्डन ब्राउन का कलर आया है। वैसे तो आपको फ्राइड अनियन जो है बाज़ार से भी मिल जाती है आजकल, लेकिन जो घर में आप फ्रेश खुद बनाते हैं उसकी बात अलग होती है, फ्रेशनेस, उसका जायका। तो कोशिश करें जब भी आप बनाएं घर में फ्रेश तैयार कर लें, बहुत इजी और आसानी से बन जाती है ये। जस्ट परफेक्ट, काफ़ी अच्छी क्रिस्पी सी ये मुझे लग रही है। तकरीबन प्याज हमने जो ली थी वो इसके अंदर निकाल ली हैं, थोड़ी बहुत इसके अंदर छोड़ दी हैं जो बाद में हमारे काम आएंगी जब हम इसमें गरम मसाला डालेंगे और अपना गोश्त फ्राई करेंगे। अब इसको ड्राई करके तकरीबन 5 मिनट बाद इसे मैं योगर्ट के साथ पीस लेती हूँ। जी व्यूअर्स, तो प्याज हमने दही के साथ ली है पीस और अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रॉपर कुकिंग। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम।
नॉर्मल फ्लेम के साथ अब मैंने लिया है साबुत गर्म मसाला, मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अंदर तेज़पात के पत्ते हैं और इलायची है और लौंग, और इस तरह जो तकरीबन यहाँ से जो है थोड़ी थोड़ी सी गर्म मसाले की आपने सारी चीज़ें ले लेनी है। और जायफल जावित्री जो है इसको आपने बहुत थोड़ा सा लेना है क्योंकि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है, और क्योंकि हाफ़ के जी हमारा गोश्त है तो इसके अंदर हम बहुत कम, एक एक चुटकी फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप डालें तो वो भी काफ़ी है, तो इसमें आपने ज़्यादा नहीं लेना होता। तो ये काली मिर्च 8 से 10 काली मिर्च, लौंग और ये बड़ी इलायची, और इसके साथ छोटी इलायची, ये सब आपने इसके अंदर, घी हमारा गर्म हो गया है, घी या ऑयल जो भी आप खाते हैं, हम लोग ऑयल यूज़ करते हैं तो ऑयल मैंने लिया है, ये इसमें आप ऐड कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा इसे सौते करेंगे, तकरीबन 5 मिनट आप इसे गर्म मसाले को ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लें तो इसकी अच्छी सी खुशबू शामिल हो जाती है आपके ऑयल के अंदर। कौरमा नॉर्मली इंडिया और पाकिस्तान में बहुत शौक से खाया जाता है, और आजकल मिर्च कौरमा काफ़ी दावतों में जो है इन है, काफ़ी शौक से लोग इसे खाते हैं, और थोड़ा अच्छा और डिफरेंट सा इसका टेस्ट है, तो हमने कहा चलें आज आप सबको बना के दिखाते हैं ये। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी, और जब आप इसे ट्राई करें तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि आपका कौरमा कैसा बना था। ये थोड़ा सा खुशबू आ रही है गर्म मसाले की, और ये हमारा हो गया है गर्म मसाला थोड़ा सा फ्राई। अब इस स्टेज पे हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे अपना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 5-7 मिनट जब आप इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तो इसके अंदर से वो हीट ख़त्म हो जाती है। अक्सर लोगों को गोश्त में से हीट आने का बड़ा इश्यू होता है, तो इसके लिए भी मैं आपको एक टिप बताती चलूँ कि जब आप गोश्त धो रहे होते हैं, उस गोश्त को धोने से 10 मिनट पहले आप उसके अंदर सिरका और नमक लगा के रख दीजिए, और उसके बाद आप अपना गोश्त धोएं तो अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन जो हमने पीस के रखा था पहले से, लहसुन डाल के थोड़ी सी हमने आँच बढ़ाई है, इसे भी तकरीबन 5 मिनट अच्छे से जो है डाल के भून लेंगे। जब तक थोड़ा सा ये होता है तब तक हम क्या करते हैं कि सौंफ और इलायची को पीस लेते हैं, और मैंने इसमें लिया है पिसा हुआ धनिया, लेकिन अगर आप सौंफ और इलायची के साथ थोड़ा सा धनिया भून के उसे भी साथ पीसें तो उसकी भी बहुत अच्छी से खुशबू आती है। जी व्यूवर्स, तो हमने लिया है पीसने के लिए इसके अंदर सौंफ, साबुत धनिया और छोटी इलायची, हम इसे पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे, और फिर किस टाइम ऐड करना है मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। जी व्यूवर्स, तो ये हमने पीस लिया है, और इसमें जो छोटी इलायची के थोड़े मोटे मोटे से फ्लेक्स थे वो हमने हटा दिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छे से हम लोगों ने इसमें डाल के भून लिया है तकरीबन 10 मिनट। अब इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये जो हमने फ्राई की हुई प्याज थी हमारी, योगर्ट में हमने इसको डाल के ग्राइंड कर लिया था, और इसमें एक चीज़ का ख्याल रखें कि इसे बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना, थोड़ा मोटा मोटा सा रखना है, बहुत ज़्यादा ग्राइंड करने से इतना ग्रेवी अच्छा नहीं बनता, तो अगर आप थोड़ा इसको कम ग्राइंड करेंगे तो काफ़ी इसका ग्रेवी अच्छा और थिक और मज़ेदार रहेगा। ये भी एक टिप है जो मैंने आपको दी है। जी जनाब, तो हमने इसमें शामिल कर लिया है अपना योगर्ट और तली हुई प्याज। अब इस स्टेज पे हमने जो इसमें ली थी चीज़ें, सिनेमन पाउडर था और काली मिर्च थी, नमक मिर्च, हल्दी थी, ये सब चीज़ें हम इस स्टेज पे इसमें ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
अब आपने इसको अच्छे से चलाना है। और दो तीन मिनट इसको फ्राई करना है। मिर्च कौरमा नॉर्मली मटन में बहुत अच्छा बनता है, लेकिन अगर आप चिकन लवर हैं और आप चिकन में ट्राई करना चाहते हैं तो आप इसे चिकन में ही बना सकते हैं। दो तीन मिनट इस मसाले को डाल के हो गए हैं। अब हमने जो ये पीस के रखा था आपका सौंफ, छोटी इलायची और साबुत धनिया, इस स्टेज पे हम इसमें ये ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे भी एक दो मिनट फ्राई कर लेते हैं हम, ताकि इसकी खुशबू अच्छे से मिक्स हो जाए, गोश्त के साथ शामिल हो जाए। जी तो तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, इतना कि हमारा ये जो गोश्त है वो गल जाए, क्योंकि ये मटन है तो पानी थोड़ा हम ज़्यादा डालेंगे। चिकन नॉर्मली कम पानी में भी हो जाता है। तकरीबन ये 5 से 6 ग्लास पानी है जो मैंने मटन में डाला है। अब हम इसको ढक के हल्की आंच पे तकरीबन 1.5 घंटा जो है वो पकाएंगे। अगर आप इसे कुकर में बनाना चाहते हैं तो ये जल्दी 10 से 15 मिनट में जो है हो जाता है, लेकिन मैं इसे कुकर में इस वक्त नहीं बनाना चाह रही, तो इस वजह से इसे मैं हल्की आंच पे ढक के तकरीबन 1.5 घंटा बनाऊंगी। इसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप बताते हैं। सो फ्रेंड्स, तकरीबन इसको 1.5 घंटा हो चुका है और गोश्त हमारा गल चुका है। तकरीबन भुनाई के ऊपर आ गया है ये गोश्त हमारा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे ये जो हमने चिलीज भिगोई थी, इसके अंदर साबुत मिर्च, रेड चिली, उसको हमने ग्राइंड कर लिया है। और क्योंकि इसके अंदर थोड़े मोटे मोटे से सीड्स होते हैं तो मैं थोड़ा सा इसको छान के इसके अंदर ऐड करती हूँ। इसके साथ ही हमने इसमें फूड कलर, रेड फूड कलर है तकरीबन, ये ऐड करना है थोड़ा सा, और अब इसको हम अच्छे से भून लेंगे। तेज फ्लेम रखेंगे इसकी थोड़ी सी, ताकि ये इसका पानी खुश्क हो जाए। छोटी इलायची है ये 4 से 5 इसके अंदर ऐड करेंगे। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है कौरमे के अंदर और मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है। 10 मिनट तकरीबन हम इसको भूनेंगे अच्छे से। ये हमारा कौरमा तकरीबन अब भुनाई पर आ गया है और मसाले ने अपना ऑयल छोड़ दिया है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा इसका कलर निकला है। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसके आप भुनाई के लगा लें तो आपका 1 घंटा तकरीबन आपको गोश्त गलाने में और तकरीबन 10 मिनट्स तो 15 मिनट्स इसको भूनने में सर्व होता है। आप अगर चाहें तो गोश्त की एक गोटी निकाल कर उसे चेक भी कर सकते हैं। अच्छी से इसकी खुशबू आ रही है, आई एम श्योर कि अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगा ये। अब हम इसमें शोरबा करेंगे। आप जितना शोरबा रखना चाहें आप इसमें अपने हिसाब से उसका शोरबा रख सकते हैं। मैंने तकरीबन इसमें 2 ग्लास पानी ऐड किए हैं, 2 से 2.5 ग्लास। और अब हम इसको हल्की आंच पर बॉयल आने तक पका लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा से इसका कलर आया है सालन का। शोरबे में उबाल आ गया है, अब हम इसे ढक के तकरीबन 5 मिनट तक पका लेंगे।
फ्रेंड्स 5 मिनट हो गए हैं और अब आप देख सकते हैं कि ये इसका शोरबा बिल्कुल रेडी है और उसके अंदर अच्छे से उबाल भी आ गया है। काफ़ी अच्छी सी कौरमे की फ्रेग्रेंस आ रही है इसके अंदर। अब हम अपना चूल्हा बंद कर देंगे और अपनी डिश को डिश आउट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारा बहुत ही मज़ेदार कौरमा तैयार है। इसमें लास्ट में थोड़ा सा आप इसमें एक दो ड्रॉप्स जो है केवरा वाटर के डाल सकते हैं क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है और कौरमे में मुझे ये बहुत पसंद है। तो आप 2-3 ड्रॉप्स जो है इसमें केवरे के डाल दीजिए और इसे अगर आप तंदूरी रोटी या नान के साथ खाएंगे तो काफ़ी अच्छा इसका जो है जायका रहता है। इसके साथ ही आज की हमारी ये डिश कंप्लीट हुई और अगर आप इसे बनाएं तो ज़रूर अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।